ओके, तो आज शाओमी का एक लॉन्च इवेंट था जिसमें उन्होंने तीन मेन डिवाइसेस जो हैं वो लॉन्च किए हैं। एक को तो थोड़ा सा बस मॉडिफाई किया है, बाकी दो न्यू लॉन्चेस हैं। ठीक है, तो तीनों के बारे में जल्दी स्क्रीनशॉट्स जो मैंने लाइव इवेंट के टाइम पे अभी ली हैं उसके हिसाब में बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं, इन्होंने अभी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था सीवी करके। ठीक है, शाओमी का सीवी विदेश में पहले से है, इंडिया में बहुत टाइम लग गया आने में। खैर, इसको लॉन्च किया गया है न्यू कलर वेज में, न्यू कलर वेरिएंट्स में, न्यू फिनिशेस में। लेकिन ओवरऑल आप अगर देखना चाहो तो 1.5K की आपको एक बहुत अच्छी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 8S Gen 3 का प्रोसेसर मिल जाता है, कलर स्कीम्स आप यहाँ पे देख ही सकते हो, 68 बिलियन से भी ज़्यादा कलर्स हैं। शाओमी की AI मॉड्यूल आपको पूरी मिलती है जिसमें आप बहुत कुछ कुछ कर सकते हो। 4K कैमराज हैं, आपको बैक के भी कैमराज पे मिलते हैं। सही है, LPDDR5X की रैम है 12 GB की, और UFS 4.0 स्टोरेज है 512 GB का। 120 Hz का रिफ्रेश रेट, शाओमी का हाइपर OS चलता है इसके साथ में। ठीक है, 1600 चार्ज साइकिल तक सही रहेगा वगैरह। और सेल्फी के अगर आप शौकीन हो तो इसमें आपको डुअल सेल्फी कैमरा मिल जाता है, 32 MP का एक प्राइमरी लेंस और 32 MP का एक अल्ट्रा वाइड। 4700 mAh की बैटरी है और आपको चार्जर वगैरह की अभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी 67 वॉट का आपको बॉक्स में मिल जाएगा। कलर वेज पे आ जाते हैं और प्राइस के ऊपर, तो ये तीन यहाँ पे आप कलर वेज देखो, पांडा डिज़ाइन बोला गया इसको क्योंकि पांडा आपने देखा हो तो वो डुअल टोन रहता है, ब्लैक वाइट का कॉम्बो, तो ये पांडा वाइट इसका तो क्लासिक नाम दे दिया है। इसके अलावा हॉट पिंक नाम दिया है भाई, अगर इनके अगर फीमेल्स कस्टमर्स को थोड़ा लुभाना है, फेमिनिन कस्टमर्स को, तो वो हिसाब में। और एक्वा ब्लू, ये इनकी इलेक्ट्रिक कार का कलर वेरिएंट है तो उसको कॉपी किया गया है यहाँ पे। ठीक है, 48999 का ये लॉन्च हुआ है सिंगल वेरिएंट 12+512 में, और आपको 3000 रुपये का ICICI क्रेडिट कार्ड्स पर डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये 45999 का आपको मिलेगा। फाइनेंस का भी आपके पास ऑप्शन है एक्सियो पावर्ड। ठीक है, सेल जो है इसकी 29 जुलाई को होगी, फ्लिपकार्ट, Mi.com और शाओमी रिटेल जो शॉप्स होते हैं उसके ऊपर भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास ICICI का कार्ड नहीं है और आप फिर भी कुछ बेनिफिट लेना चाहते हो तो यहाँ पे 3000 का एक्सचेंज बोनस भी दिया गया है। यहाँ पे बड़ा बड़ा और लिख दिया है कि आप दो में से कोई एक ही ऑफर एक बार में अवेल कर पाओगे। क्लियर है, तो अगर आपका एक्सचेंज कराने का मन है तो आप ICICI का ऑफर को इग्नोर करना पड़ेगा, और अगर आपको ICICI का ऑफर यूज करने का मन है तो आपको एक्सचेंज बोनस क्लेम कर सकते हो। ठीक है, और शाओमी इजी फाइनेंस के थ्रू आपको 9 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI मिल सकती है। इतना ही रखते हैं, ये इनका पहला एक इंटरेस्टिंग डिवाइस लॉन्च हुआ है ऑन द गो। अगर आपको कुछ पढ़ना है, एंटरटेनमेंट चाहिए, आपके फ़ोन की 6 इंची स्क्रीन अब आपको पूरी नहीं पड़ रही, तो 8.7 इंच की 90 Hz डिस्प्ले के साथ आपको मिलता है रेडमी पैड SE 4G। 4G है क्योंकि इसमें आपको सिम स्लॉट भी मिलेगा। ठीक है, सिम स्लॉट मिलेगा अप टू 4G है क्योंकि प्रोसेसर ही 5G सपोर्ट नहीं करता है, उसके बारे में बात करेंगे। डुअल 4G स्लॉट मिल जाता है, 4G प्लस 4G कॉलिंग भी आपको मिलेगी इसके ऊपर। 90 Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाती है। दो स्पीकर्स हैं दोनों डॉल्बी पावर्ड से, डॉल्बी एटमोस से। ठीक है, और बैटरी जो है वो 6650 mAh की मिलती है। बॉक्स में चार्जर भी ऑफ कोर्स 30 वॉट के आसपास का आपको मिलेगा, उससे आप अपना चार्ज करते रहना। कलर वेज आप देख ही सकते हो, एक क्लासिक ब्लैक टाइप का है, उसका ग्रे नाम रख दिया है, एक ब्लू है, एक ग्रीन है। ठीक है, अगर पिछले फ़ोन का ही बात करें तो शाओमी सीवी जो है वो इसी तरह के ग्रीन वेरिएंट में आया था जो कि सबको बहुत पसंद आया था। इसके साथ अगर आप यहाँ पे इस लड़की के हाथ में ऐसा देख पा रहे हो, वैसा होल्ड की हुई है जैसे पॉप सॉकेट्स आते हैं, तो ये जो इनका कवर है वो ऐसे ही इनबिल्ट पॉप सॉकेट और इनबिल्ट स्टैंड का भी ये काम करता है, सिर्फ 999 से शुरू हो रहा है, तो ये भी आपको 8 अगस्त को आप ले सकते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजोन दोनों पे ही, और Mi.com पे भी आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है,
प्रोसेसर वगैरह की बात कर लें क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन है नहीं, उससे पहले आप प्राइस देख लो और मैं आपको दूसरे फ़ोन पे इनके ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोसेसर दिखा देता हूँ। 464 से ये शुरू हो रहा है, 10999 का लॉन्च हुआ है, 4128 के लिए 1000 ज़्यादा 11999 देने होंगे। लेकिन अगर आपके पास ICICI का क्रेडिट कार्ड है तो आप 1000 रुपये ऑफ ले सकते हो, तो आपको 464 9999 का मिलेगा और 4128 10999 का मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके जो एडिशनल कुछ स्पेक्स मिसिंग है, स्पेशली प्रोसेसर जो कि G85 है, तो ज़्यादा गेमिंग तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत ही करो इससे, क्योंकि मेरा ये टैब में खुद MediaTek का जी पता नहीं 80 है शायद, तो गेमिंग वगैरह तो नहीं होती है। खैर, ये है MI का ऑफिशियल वेबसाइट, सेल यहाँ पे 8 अगस्त से हैं और इसमें सारे आपको ये मिल जाते हैं एडिशनल जो भी आपको देखना हो। तो 370 ग्राम का वेट मिल जाता है, हीलियो G85 मिल जाता है, ठीक है, ऑक्टाकोर प्रोसेसर और LPDDR4X रैम है, लेकिन स्टोरेज जो है वो eMMC टाइप की मिलेगी। जो मेमोरी कार्ड स्लॉट है उस पर आप 2TB तक का मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, लेकिन भाई ये तो टैब से भी महंगा हो जाएगा। ठीक है, HD+ डिस्प्ले है यहाँ पे, उससे मैनेज करना होगा क्योंकि आप यहाँ रेजोल्यूशन देख लो, बाकी 600 निट्स वगैरह की ब्राइटनेस है तो टैब के लिए ठीक है, लेकिन गोरिल्ला ग्लास 3 से प्रोटेक्टेड है, बहुत अच्छी बात है। और TUV रेनलैंड की भी आपको ब्लू लाइट की हार्डवेयर सपोर्ट मिलता है, यानी आप रीडिंग मोड ऑन करोगे तो आपकी आंखों को बहुत सुकून से आप पढ़ सकते हो। चलते हैं आप सबसे मेन इनके लॉन्च पे, ये है Redmi Pad Pro और Redmi Pad Pro 5G वाईफाई वेरिएंट और ये सिम वेरिएंट जो कि 5G तक सपोर्ट करता है। 5G तक कैसे सपोर्ट करता है, तो इसमें प्रोसेसर दे दिया गया है 5G 7S Gen 2, ठीक है। 12 इंच की आपको XL डिस्प्ले मिल जाती है 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो है। अगर आपने वन प्लस पैड वगैरह की कुछ वीडियोस देखी हैं या अगर आपने पोको पैड करके देखो, एक बात हो, रेडमी के कुछ प्रोडक्ट्स पोको डेफिनेटली रीब्रांड करता है, आपको अभी तक तो आइडिया हो ही गया होगा, और अभी तक भी नहीं है तो पोको पैड बहुत एक्सपेक्टेड है कि रेडमी पैड प्रो को कॉपी करे। अब वो रेडमी पैड प्रो को करता है या 5G को या दोनों को, आपको वाईफाई और सिम वेरिएंट दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं, ये देखना होगा, लेकिन उसका प्राइस 1000 रुपये सस्ता होना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। खैर, आपको 10000 mAh की बहुत बड़ी बैटरी मिल जाती है, तो आराम से मतलब टैबलेट यूजेज आप कुछ भी कर लो, आराम से आपको वन डे की तो बैटरी हो गई। क्वाड स्पीकर्स, 4 स्पीकर मिल जाते हैं, डॉल्बी विजन भी है, डॉल्बी एटमॉस भी है, यानी चाहे वो सिनेमैटिक क्वालिटी हो या साउंड क्वालिटी दोनों ही बेहतरीन होंगे। हाइपर OS से पावर्ड है, 5G के बारे में मैंने बता दिया, कलर वेज आप देख लो दोनों ही सिमिलर से हैं, ठीक है। प्राइस की इसकी बात कर लें तो ये आपको 19999 से शुरू हो जाएगा कार्ड ऑफर्स लगाने के बाद। इसमें दो बैंक के आपको ऑफर मिल जाएंगे, ICICI और HDFC, अगर आप सिर्फ ICICI के ऑफर से परेशान हो तो 8128 आपको 22999 का पड़ेगा और 8256 5G वाला वेरिएंट आपको 24999 का पड़ेगा, मतलब अंडर 25,000 आपको एक अच्छा टैबलेट मिल जाएगा। Xiaomi Pad 6 से अगर लोग डायरेक्ट कंपैरिजन करना चाहें तो वो हिसाब में मैं बोल रहा हूँ। बिना सिर्फ वाईफाई वेरिएंट में 6128 ही आएगा, तो उसके साथ ही आपको मैनेज करना पड़ेगा, जो कि अंडर 20,000 अच्छी बात है, अंडर 20,000 का ही सब टैबलेट ढूंढते हैं, तो वन प्लस पैड गो के कंपैरिजन में ये बेहतर आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी सेल है 2 अगस्त से दोपहर 12 बजे, me.com, Flipkart, amazon.in सब पे ऊपर अवेलेबल है। अब आ जाते हैं सर एसेसरीज क्या मिलती हैं, क्योंकि ये तो भाई एक अपर रेंज का टैबलेट हो गया, तो ये तो फिर से कुछ वही है इसके। हाँ, आपको एक मिल जाएगा Redmi का स्मार्ट पेन 3999 का 2 अगस्त से, ये भी दोपहर 12 बजे से, ये Flipkart, me.com और Xiaomi रिटेल, Amazon का इसमें नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, तो आपको ये दूसरी जगह से खरीदना पड़ सकता है अगर आप टैबलेट Amazon से लेते हो तो। और कीबोर्ड जो है वो मिलेगा 3999 से, ये amazon.in पे अवेलेबल थी, यहाँ पे amazon.in की स्टिकर है तो पता नहीं क्या कंफ्यूजन इनके खुद में। और अगर आपको ये फैंसी चीज़ें नहीं चाहिए लेकिन एक कवर चाहिए फर्स्ट डे ब्रांडेड, तो आपको उसके लिए 1500 रुपये देने होंगे,
ठीक है, ये आपको mi.com, amazon.in और Xiaomi रिटेल पे मिलेगा। अब देखो यहाँ से फिर Flipkart का नाम गायब है, ये सब भी आपको 2 अगस्त से मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बंडल लेने में इंटरेस्टेड हो तो mi.com के ऊपर आपको इस तरह के बंडल मिलेंगे। अब उसके ऊपर क्या खास ऑफर्स रहते हैं वो तो नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन अगर आप प्राइस बस ऐड करो तो ये लगभग सेम से ही है। मतलब 1999 पे अगर आप 1500 ऐड कर दो तो ये 21498 होता है। अब ये कार्ड ऑफर इंक्लूड करके है या एक्सक्लूड करके वो देखना होगा, लेकिन अगर एक्सक्लूड करके है तो अच्छा है, आप एक बंडल ले लोगे तो आपको वो सस्ता नहीं, प्राइस इंक्लूसिव वो बैंक ऑफर यहाँ से छोटा सा वो लिख दिया है, तो ये बैंक ऑफर इंक्लूड करेगी तो अलग अलग लो या एक साथ लो, कुछ खास प्राइसिंग में फर्क पड़ेगा नहीं। एक बात और, अगर आप इस पे देखो तो ये पेन वगैरह जो है मैग्नेटिकली इससे स्टिक नहीं होता है, ठीक है, आपको इसको हुक्स वगैरह में लगाना होगा, तो वो एक शाओमी पैड से एक थोड़ा कम प्रीमियम एक्सपीरियंस, एक नॉर्मल एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलता है। प्रीमियम एक्सपीरियंस तो वही है कि आपके टैब के साथ ही पेन मैग्नेटिकली अटैच हो जाए। खैर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।